हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकेंड लेक्चर फॉर द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोप्रोसेसर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085. इन दिस लेक्चर वी हैव टू स्टडी ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम एंड द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ALU. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज माइक्रोप्रोसेसर. A microprocessor is a multi-purpose logic programmable logical device that reads the binary instruction from a storage device called as a memory, accepts the binary data as an input and processes the data according to those instructions which is stored in memory and provides the result as an output. यहाँ पे जो भी microprocessor होता है वो कुछ इंस्ट्रक्शन जो स्टोर्ड होते हैं मेमोरी के अंदर वहां से वो लेता है. जो भी बाइनरी डेटा हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं वो एज एन इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और जो भी कोई रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द मेमोरी. मेमोरी के अंदर से जो भी प्रोवाइड किया हुआ जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा उस अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करेगा और जो भी हमें रिजल्टेंट आउटपुट है वो हमें एज एन आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा. Next, here we have to see the structure of microcomputer system. In this microprocessor system, we have to see the block diagram of this system. Here we can see there are different paths. First is the ALU. Okay, this is the ALU part. This is called as an ALU. This is ALU, that is called as an arithmetic logical unit. This is called as an registers. Registers are used to store the data. Next is the control unit. In this unit we can control all the things. Here it is the input and the output section. Here are the system buses for transferring the data. And this is the memory for the storage or for the input output section. Okay. Now what is ALU or arithmetical logical unit? In this area computing functions are performed on data. Whatever function, what are the functions that are performing? It performs the arithmetic operations such as addition, subtraction and logical operation such as AND, OR, exclusive OR. Okay, यानी यहाँ पे क्या होता है, जो भी कोई कैलकुलेशन का पार्ट होता है वो ALU के अंदर हम लोग कर सकते हैं. जैसे एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, लॉजिकल ऑपरेशन यानी कौन से होते हैं जो हमने 11th स्टैंडर्ड में देखे थे, एंड करना है, और करना है या फिर लॉजिकल एक्सक्लूसिव और करना है. तो ये सब चीजें कहाँ पे होती है, तो ये सेक्शंस के अंदर होती है. कहाँ पे? ALU के अंदर. और जो भी कोई रिजल्ट वहां से आएगा वो कहाँ पे स्टोर होता है, एक तो रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होता है या इन द मेमोरी हम लोग उसको स्टोर करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द रजिस्टर. नाउ व्हाट इज रजिस्टर? इन दिस एरिया कंसिस्ट ऑफ वेरियस रजिस्टर. यहाँ पे अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स होते हैं जो हम लोग स्टोरेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. दिस रजिस्टर्स आर प्राइमरीली यूज टू स्टोर द डेटा टेम्परेली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. जब भी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो हम लोग वहां पे टेम्परेली डेटा को रख सकते हैं. ओके, सम रजिस्टर आर एक्सेसिबल टू द यूजर्स थ्रू इंस्ट्रक्शन. कोई कोई रजिस्टर्स होते हैं जो सिर्फ यूजर्स को यूज कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन के तरीके से हम लोग उसको यूज कर पाते हैं, नहीं तो फिर माइक्रोप्रोसेसर ही डिसाइड करता है कि उसको कौन से रजिस्टर्स के अंदर डेटा को स्टोर करना है. Now what is control unit? The control unit provides the necessary timing and control section to all the operation. हम लोग ने देखा होगा कि माइक्रोप्रोसेसर के अंदर कुछ टाइमिंग होते हैं जो हम लोग इजीली यूज करते हैं. तो यहाँ पे जो भी कंट्रोलिंग का सेक्शन रहेगा, कहाँ पे सिग्नल को सेंड करना है, कहाँ से रिसीविंग करना है, किस टाइमिंग में उसको प्रोवाइड करना है, ये सब काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट के अंदर होता है. इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन
माइक्रोप्रोसेसर, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। जो भी डेटा का फ्लो होता है माइक्रोप्रोसेसर टू मेमोरी या फिर कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस यानी क्या, जो भी इनपुट आउटपुट जो भी कोई डिवाइसेस अटैच होते हैं उसके अंदर जो भी कोई डेटा को ट्रांसफर करना है, ये सब काम कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट यहाँ पे करता है। नेक्स्ट इज द मेमोरी। मेमोरी मेमोरी स्टोर्स द बाइनरी इंफॉर्मेशन सच एज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं माइक्रोप्रोसेसर को, और वहाँ के वो सब स्टोर कहाँ पे होता है, तो मेमोरीज के अंदर होता है। और वहाँ पे डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे दो नंबर्स का अगर एडिशन करना होगा तो एडिशन का जो भी कोई इंस्ट्रक्शन रहेगा वो मेमोरी के अंदर रहेगा। जो दो डेटा रहेंगे जिनका एडिशन करना है वो भी मैं कहाँ पे रखूंगा, मेमोरी के अंदर ही रखूंगा। ओके, एंड प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू माइक्रोप्रोसेसर व्हेन एवर नेसेसरी। जो कभी भी माइक्रोप्रोसेसर को उसकी जरूरत रहेगी वो कहाँ से, मेमोरी में से ही वो डेटा को एग्जीक्यूट करेगा या फिर मेमोरी या फिर इंस्ट्रक्शन को वहां पे लेके आएगा। टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम द माइक्रोप्रोसेसर रीड्स द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड परफॉर्म द कंप्यूटिंग ऑपरेशन इन इट्स एएलयू सेक्शन। ओके, रिजल्ट्स आर आइदर स्टोर्ड टू द आउटपुट सेक्शन फॉर डिस्प्ले और स्टोर इन द मेमोरी फॉर लेटर यूज। रिजल्ट जो भी रहेगा वो एक तो आउटपुट सेक्शन के अंदर डिस्प्ले रहेगा, या फिर हम लोग को जो भी दो नंबर्स का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसके अंदर जो भी रिजल्ट आएगा वो एक तो मेमोरी में स्टोर होगा या फिर डायरेक्टली डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट इज द इनपुट आउटपुट सेक्शन। इन इन दिस सेक्शन द कम्युनिकेट्स विथ आउटसाइड वर्ल्ड इनपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर ऑल्सो नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। हम लोग उसको पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं। जहां पे भी हमें आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी आउटसाइड वर्ल्ड मीन्स व्हाट, आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम इट इज कॉल्ड एज एन आउटसाइड वर्ल्ड। जहां पे भी हमें कम्युनिकेशन करना है यानी यूजर के साथ में अगर कम्युनिकेट करना है तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड स्विचेस एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। ओके, जो भी हमारे कीबोर्ड्स होते हैं वो हो गए इनपुट डिवाइसेस, जहां से हम लोग क्या करेंगे कंप्यूटर्स के अंदर कोई भी इनपुट हम लोग वहां पे डालेंगे। द आउटपुट दिस और द आउटपुट डिवाइसेस आर लाइट इमिटिंग डायोड हो सकता है, सीआरटी मॉनिटर्स हो सकते हैं, और वीडियो स्क्रीन्स या फिर प्रिंटर्स हो गए, मैग्नेटिक टेप्स हो गए। मैग्नेटिक टेप्स अगर बोलेंगे तो हार्ड डिस्क हम लोग बोलेंगे वहां पे, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस डिवाइसेस ट्रांसफर्स फ्रॉम द एमपीयू टू आउटसाइड द वर्ल्ड डेटा, यानी कंप्यूटर में से बाहर जो भी हम लोग को डेटा अगर ट्रांसफर करना है तो हम लोग आउटपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। सिस्टम बसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल बसेस मीन्स व्हाट, बसेस आर यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। ओके, बस क्या करता है, ट्रैवलिंग करता है। यहाँ पे हम लोग जब बस बोलते हैं तो आदमी ट्रांसफर होता है। यहाँ पे क्या होगा, बस का मीनिंग कंप्यूटर सेक्शन के अंदर क्या होगा, इट ट्रांसफर्स द डेटा फ्रॉम वन पार्ट टू अनादर। ओके, इट इज कॉल्ड एज एन बस। इट इज अ ग्रुप ऑफ वायर्स टू कैरिंग द बिट्स। हम लोग ने देखा होगा कि हमारा जो डेटा जो अगर हम लोग बोलते हैं तो क्या ट्रांसफर होता है, तो बिट ही ट्रांसफर होता है, 0101। ये जो बिट्स होते हैं वो ही ट्रांसफर करने के लिए जो वायर्स यूज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बसेस। द सिस्टम बसेस इज कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस जहाँ पे भी कनेक्ट होंगे माइक्रोप्रोसेसर से, तो वो पेरिफेरल डिवाइसेस तक का जो भी हम लोग को डेटा अगर ट्रांसफर करना है तो ये सिस्टम बसेस हम लोग। नेक्स्ट वी हैव टू सी प्राइमरी फंक्शंस ऑफ सीपीयू ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर। फर्स्ट इज द टू फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन प्रॉपर ऑर्डर। फेच मीन्स व्हाट, प्रोग्राम में से इंस्ट्रक्शन को लाना है, उसको कन्वर्ट करना है या फिर डिकोड करना है, यानी ह्यूमन रीडेबल टू बाइनरी फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करना है। एग्जीक्यूट करना है कोई भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को इन प्रॉपर ऑर्डर, ये काम होता है सीपीयू का। ओके, नेक्स्ट इज द ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम मेमोरी एंड टू एंड फ्रॉम इनपुट आउटपुट सेक्शन। यानी डेटा को ट्रांसफर करना है मेमोरी के अंदर, या फिर मेमोरी में से मुझे ट्रांसफर करना है डेटा को, या फिर इनपुट आउटपुट सेक्शन से डेटा को लाना है, या फिर इनपुट आउटपुट सेक्शन के अंदर डेटा को सेंड करना है, ये काम कौन करता है, सीपीयू का काम होता है।
रिस्पॉन्स स्टूडेंट एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, यानी कोई भी बाहर से कोई भी इंटरप्ट अगर आता है तो उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है। अगर किसी ने सडनली एक अगर पेन ड्राइव को अटैच कर दिया और वहां पे एक पॉपअप मैसेज आता है, यानी उसको अंदर क्या हो गया कि नया एक हार्डवेयर उसने डिटेक्ट किया तो ये एक इंटरप्ट हो गया। ओके, जो भी काम कर रहा है उसके अंदर कोई भी अगर इंटरप्ट अगर आ जाता है तो उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, ये भी काम किसका होता है, सीपीयू का होता है। प्रोवाइड्स ऑल ओवर टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन टू द एंटायर सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम को प्रॉपर टाइमिंग के अंदर और अलग अलग कंट्रोलिंग सिग्नल्स को प्रोवाइड करना है कहाँ पे, पूरे सिस्टम्स के अंदर, तो उसका भी काम कौन करता है, तो सीपीयू करता है। रीड राइट ऑफ डेटा इनटू मेमोरी सो बाय डायरेक्शनल बस इज रिक्वायर्ड। रीड राइट इंस्ट्रक्शन कहीं भी डेटा के अंदर मेमोरी के अंदर करना है तो वहां पे बाय डायरेक्शनल बस की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल प्रोसेस एंड डेटा फ्लो इज डन इन द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एमपीयू चिप। जो भी कोई प्रोसेसिंग का काम है, डेटा फ्लो का काम होता है, वो सब का काम कौन करता है, तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर चिप करता है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो एलयू। एलयू का हमें सेक्शन ये देखना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द स्टेटस रजिस्टर, दिस इज कॉल्ड एज एन शिफ्टर्स, दिस इज कॉल्ड एज एन एड्रेस रजिस्टर, एंड दिस इज द टेम्पररी रजिस्टर, दिस इज द एक्यूमुलेटर, एंड दिस आर द इंटरनल बसेस। ये जो हम लोग ने इसके पहले जो ब्लॉक डायग्राम देखी थी वो पूरा माइक्रो प्रोसेसर का था, और इसके अंदर का जो ALU जो पार्ट था वो ALU पार्ट का ये ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरीके से हम लोग को यूज करना है, ये पार्ट्स कौन से हैं। फर्स्ट ALU इज अ 8 बिट यूनिट, यहाँ पे 8 बिट का ही परफॉर्मेंस होता है। इट परफॉर्म्स एरिथमेटिक लॉजिकल एंड रोटेट ऑपरेशन, जो भी कई एरिथमेटिक जो भी कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन का काम होगा, या फिर वहां पे लॉजिकल जैसे एंड और एंड एक्सऑर हो गया, या कोई हमें रोटेट करना है कोई भी बिट को, अगर हमें रोटेट करना है ये काम तो हमारा ALU करता है। इट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी एडर टू परफॉर्म एडिशन एंड द सब्सट्रैक्शन बाय टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। हम लोग ने बाइनरी एडर देखा था 11th स्टैंडर्ड के अंदर, जो हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के लिए यूज करते हैं। सब्सट्रैक्शन यहाँ पे डायरेक्टली सब्सट्रैक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड होता है। ओके, जो हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। द रिजल्ट इज टिपिकली स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर, जो हम लोग ने एक्यूमुलेटर देखा था वहां पे जो भी कोई रिजल्ट रहेगा वो क्या यहाँ पे स्टोर होता है, तो एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन रजिस्टर, ओके, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। Accumulator, temporary register, flag register is close associated with ALU. जो भी कोई है accumulator हो गया, temporary register हो गया, या flag registers हो गया, या हम लोग उसको बोलते हैं status register, ये सब के सब ALU के साथ में ही होते हैं। The temporary register is used to hold the data during arithmetic and logical operation. टेम्पररी रजिस्टर क्या करता है, टेम्परेली अगर उसको डेटा को स्टोर करना है, जब भी उसको जरूरत पड़ेगी ALU को, तो वो वहां से क्या करेगा, डेटा को लेके आएगा या फिर वहां पे डेटा को रखेगा। फ्लैग रजिस्टर हम लोग उसको स्टेटस रजिस्टर भी बोलते हैं, ये जो भी रिजल्ट्स रहेगा ALU के अंदर उस हिसाब से वो सेट और रिसेट होते हैं। ओके, यानी अगर सपोज दोनों अगर सब्सट्रैक्शन अगर हो रहा है, वहां पे सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट अगर जीरो आता है, तो वहां पे एक जीरो फ्लैग होता है जो क्या रहेगा, सेट हो जाएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम को पता चलेगा, माइक्रोप्रोसेसर को पता चलेगा कि ये जो आंसर आया हुआ है वो जीरो है। ओके, इस तरीके से अगर निगेटिव अगर आता है तो साइन फ्लैग सेट होता है या फिर रिसेट होता है। अगर माइनस अगर आया तो वो क्या हो जाएगा, साइन फ्लैग सेट हो जाएगा, यानी वहां पे क्या रहेगा, उसको पता चलेगा कि वहां पे दिस द आंसर इज द सब्सट्रैक्शन या फिर माइनस है। ओके, नेक्स्ट इज द एडर है। एडर परफॉर्म्स द एरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एक्सेट्रा, विद द रिजल्ट बीइंग फेड बैक इनटू द एक्यूमुलेटर वाया इंटरनल बस। जो भी कोई रिजल्ट वहां से आएगा वो वापस से कहां पे, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो जाता है। शिफ्टर्स का काम क्या होता है, व्हाट इज शिफ्टर्स, शिफ्टर्स आर यूज्ड टू
शिफ्ट द बीट एट द लेफ्ट हैंड साइड और इन द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड के अंदर अगर वन 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 बीट अगर मुझे रोटेट करना है या शिफ्टिंग करना है या फिर लेफ्ट के अंदर शिफ्ट करना है या फिर राइट के अंदर शिफ्ट करना है, तो ये शिफ्टर्स का यूज होता है. और जो भी कोई रिजल्ट रहेगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर होने वाला है. नाउ स्टेटस रजिस्टर आर यूज सेट और रीसेट अकॉर्डिंग टू द ALU ऑपरेशन, जो मैंने पहले ही बताया था. स्टेटस रजिस्टर आर ऑल्सो कॉल्ड एज एन फ्लैग रजिस्टर्स. तो फ्लैग रजिस्टर, जैसे अगर ALU के अंदर जो भी कोई रिजल्ट आएगा उस हिसाब से स्टेटस रजिस्टर्स क्या होते हैं, सेट और रीसेट होते हैं. ओके, थैंक यू, वी विल सी अवर नेक्स्ट लेक्चर.